नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे आज बैंकों के लिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और कल के लिए कई सारी अपडेट हैं जो हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स पे आपको बताएंगे और जो आपको जिसके बेसिस पे आपको अपना व्यू बनाना है। क्योंकि बहुत सारे बिगनर से पूछ रहे थे कि सर बैंकिंग स्टॉक्स को इस समय ले सकते हैं क्या, तो इन सब क्वेश्चंस के भी आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिएगा, जब चीज़ें आपको पहले से ही बताई जा रही हैं, जब आपको चीज़ें पहले से ही पता चल रही हैं, तो आपको अपना अगर होमवर्क करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी के हर स्टेप टू स्टेप डिपेंड हो जाएंगे कि अब सर क्या स्टेप लेना है, अब सर क्या स्टेप लेना है, तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, आप फिर अपना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, प्लीज़ गिव सम टाइम। तो यानी कि उसको अपने होमवर्क में भी को रिलेट करिए और उसमें टाइम दीजिए और तब आप अपना एक लॉजिकल व्यू बनाइए, क्या मुझे इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, क्या मुझे अभी वेट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस रेज करेंगी और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस रेज होगा, आप खुद देखेंगे कि आपको रिटर्न कैसे बनते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं कई सारे वीडियो से देख सकता हूँ, रिजल्ट सीरीज के स्टॉक। तो देखिएगा, आपको रिजल्ट सीरीज का स्टॉक एक और बताया गया था, स्टॉक का नाम आपको पता ही होगा और लॉजिक बहुत क्लियर बताया गया था आपको। लॉजिक क्या बताया गया था, लॉजिक बताया गया था जेके टायर का। 4 दिन हुए हैं, स्टॉक ने 6-7% के रिटर्न दे दिए हैं। अगर आज देखेंगे, जब वीडियो प्रोवाइड कराया गया था 4 दिन पहले, तो 140 रुपये पे स्टॉक था, अपोलो टायर की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आज आप देखेंगे तो 149.25 रुपये का हाई है। लॉजिक क्या था, जेके टायर के नतीजे अच्छे आए थे आपको पता है, और यही एक लॉजिक लगाया जा रहा था कि इनके भी नतीजे अच्छे आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक में देखिएगा, आपको अच्छे रिटर्न मिल गए, 5-7% के रिटर्न मिल रहे हैं, क्या जाता है। लेकिन इसको अपने डिसीजन से कोरिलेट करिए, किसी पे डिपेंड ना रहिए। चूंकि आप डिपेंड रहेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, तो हमेशा क्या हो जाएगा, जब तक चीज़ें सही चलती हैं तब तक तो आपका फेथ बना रहता है, और जब चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाती हैं तो आपका फेथ चला जाता है। तो खुद कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आप मार्केट को समझेंगे भी और रिटर्न भी बनाएंगे। अब सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में बात कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जिसमें आपको अच्छा मूव देखने को मिला और जो 207 का रेजिस्टेंस बताया गया था वो भी आज हिट हो गया और काफ़ी अच्छा मूव भी आया। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे रिजल्ट, तो NII इनकम इंक्रीज हुई है, नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत बढ़िया इंक्रीज हुई है, डिपॉजिट्स में काफ़ी अच्छा फ्लो देखने को मिला है, 14% से इंक्रीज हुए हैं, आपको 52% का देखने को मिला है। देखिएगा, प्रॉफिट में जंप हुआ है, लेकिन NPA यहाँ पे अभी भी कंसर्न है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो कोर बिजनेस से रिलेटेड जो अगर आप देख रहे हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कोर बिजनेस से जो इनकम आती है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि रिजल्ट अच्छे होना। और अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और देन हम लोगों ने SBI, और SBI में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो यानी कि आउटलुक कहा जाएगा बैंकिंग स्टॉक्स का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं बैंक स्टॉक्स में और काफ़ी अच्छे इनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो बैंक स्टॉक्स में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इवेंट की चर्चा कर लेते हैं पहले। इवेंट आपको पता है, इवेंट क्या है कि जो हेयरिंग होनी थी 2 नवंबर को, वो डिले हुई और अब वो होगी, देखिएगा आपको पता देखने को मिला है 5 नवंबर को। तो यहाँ से आना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है क्लैरिफिकेशन। आपको पता है कि लास्ट हेयरिंग जब टाली गई थी तो उसमें कुछ बातें कही गई थी सरकार के लिए और RBI के लिए भी, और वहाँ से आपको आंसर आते हुए भी देखने को मिला था। तो अब क्लियर कट जो ऑर्डर आना है उसका ही वेटिंग करी जा रही है, उसमें अगर कोई क्लू ना फंसे या फिर किसी भी तरीके का और डिले ना हो और डायरेक्ट ऑर्डर आ जाए और ये कंफर्मेशन हो जाए कि हर तरीके से चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो आपको और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में। बट अगर यहाँ पे कोई और क्लू निकल के आता है या फिर कुछ पेंडिंग होता है, फिर कुछ भी समथिंग होता है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। इसमें आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं डिनाई करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक ऑलरेडी 3 दिनों से काफ़ी अच्छे रन
कर चुके हैं और बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिया अगर आप देखेंगे लास्ट करेक्शन से। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए आपको हर समय अपडेट किया जाता है कि कभी भी फ्लो फ्लो में होता नहीं है कि आप लोग भागते हुए स्टॉक्स पकड़ने लगते हैं। तो देखिएगा जिनकी पोजीशंस बहुत नीचे के लेवल पे है बैंकिंग स्टॉक्स में और उनका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो वो चाहें तो अपने प्रॉफिट ऊपर के लेवल पे बुक करते रहें, क्योंकि मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म पिक होती है, आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, 8-10% के रिटर्न मिल रहे हैं, वेल एंड गुड है, रिग्रेट मत करिए अगर स्टॉक उसके बाद भी भाग जाता है। सेकेंड चीज, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आपने बहुत बढ़िया लेवल पे कम लेवल पे पोजीशंस बनाए हुए हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं। अब रिजल्ट आएंगे जैसे तरीके के आपको अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। देखिएगा गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया एपेक्स कोर्ट को कि वो सारे देखिएगा जो भी डिफरेंस का अमाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे जितने भी आपको वो लेंडर हैं, और फिर वो क्या करेंगे, वो डिसबर्समेंट ले लेंगे, यानी कि गवर्नमेंट से क्लेम ले लेंगे कि उन्हें किस तरीके से क्रेडिट करा जाएगा जो भी अमाउंट उन्होंने बोरोवर्स को दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा सब कुछ क्लियर कट है, अब नतीजा क्या आना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इवेंट अभी बना रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर खबर से मार्केट में काफी हलचल देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी में भी काफी हलचल देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे आज की, तो आज आपको देखने को मिलेगा वोलाटाइलिटी बहुत है। क्यों है, क्लियर कट क्यों व्यू नहीं है, क्योंकि अभी देखिएगा यूएस इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यूएस इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, इसके बाद COVID-19 की सेकेंड वेव बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। ये ट्रिगर अगर ज़्यादा बड़े होते हैं, या फिर रिलायंस के स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिलता है, या फिर कोई भी ऐसा मूव जिससे क्या हो, मार्केट के सेंटीमेंट बदलते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, मार्केट के सेंटीमेंट में करेक्शन देखने को मिलता है, तो चाहे जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ हो, चाहे जितनी भी पॉजिटिविटी हो, आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को भी अब आपको अवॉइड नहीं करना है। तो यही चीज़ मैं बताता रहता हूँ कि देखिएगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव आ चुके हैं, आज देखेंगे काफ़ी अच्छा लेवल दिखाया बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे कल जो स्टॉक्स होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए सबसे वोलाटाइल स्टॉक्स कौन कौन से रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे वोलाटाइल स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक, आपको पता है बैंक निफ्टी के साथ मूव करता है, इसलिए आपको यहाँ पे खबर बना के रखनी है। सेकेंड वोलाटाइलिटी आपको SBI में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा मूवमेंट ही देखने को मिला था। और आपको थर्ड जो सबसे ज़्यादा है देखने को मिलती है इंडसइंड बैंक, काफ़ी भागा है, अगर आज भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया भागा, लेकिन वहाँ के ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। इसके अलावा बंधन बैंक में भी आप देख सकते हैं वोलाटिलिटी काफ़ी बनी हुई है, लास्ट टाइम में बढ़िया इसने मूव दिखाया था। और RBL और फेडरल बैंक, तो ये स्टॉक ऐसे हैं जो काफ़ी वोलाटाइल हैं कल के लिए, जिन पे अगर कोई भी इधर उधर की न्यूज़ आती है, या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, या फिर तेजी भी देखने को मिलती है, तो वोलाटिलिटी सबसे ज़्यादा इन बैंकिंग स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपको मैंने सारा बता ही दिया है, जो भी अपडेट है वो आपको कल प्रोवाइड करा जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।